हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि आपके पौधे में जो भी आपने गमले में लगा रखा है उसमें बहुत सी चींटियां चलने लगती हैं। देखिए, मैं अपने गमलों में हमेशा डालती रहती हूँ तो इतनी नहीं है हमारे गमले में, लेकिन पहले मेरे भी गमले में बहुत ज़्यादा चींटियाँ लग जाती थी। और ख़ास करके ये जो गुड़हल का पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा चींटियाँ लग जाती थी, क्योंकि ये गुड़हल का जो पौधा होता है ये मीठा होता है और चींटियों को काफ़ी पसंद आता है इन्हें खाने में। इसलिए इन गुड़हल के जितने भी मेरे पौधे हैं, ये देखिए गुड़हल की मेरी कई सारी वैरायटी है मेरे पास, सारे कलर्स अवेलेबल्स हैं गुड़हल के मेरे पास में, और बहुत सुंदर सुंदर कलर्स निकलते हैं। पिंक कलर है, ऑरेंज कलर है, लाइट ऑरेंज कलर से है, लाइट येलो कलर है, तो सारे कलर्स हैं। तो इनमें बहुत चींटियाँ लग जाती थीं, तो इन्हें कैसे हम चींटियों को दूर रख सकते हैं अपने पौधों से, ताकि जो न्यूट्रिशंस हैं वो पौधों का ना ख़त्म हो और पौधे अच्छे से आपके फ्लॉरिंग करते रहें, फूल देते रहें। तो इसके लिए आज मैं बहुत ही एक बढ़िया चीज़ लेकर के आई हूँ, जिससे कि अगर आप डालते हैं तो आपकी चींटियाँ आपकी नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि पूरी तरह से ख़त्म हो गई रहेंगी। तो चलिए देखते हैं कि इसे हमें कैसे बनाना है और हम इसका यूज कैसे पौधों में करेंगे। तो दोस्तों, ये हम ले रहे हैं, क्या है दोस्तों, ये है काली मिर्च। और इन काली मिर्च को हम क्या करेंगे, कूट लेंगे या फिर मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। लेकिन मिक्सर ग्राइंडर में अगर आप पीसेंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा होनी चाहिए काली मिर्च की, लेकिन ये कुछ काली मिर्च हैं तो इसको हम ऐसे कूटनी में इसको हम कूट लेंगे। तो चलिए इसको हम कूट लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, ये देखिए हमारी काली मिर्च जो है कूट चुकी है। और अब हम इसमें जो अगली चीज़ मिलाएंगे वो है एक चम्मच के करीब हम ले रहे हैं ये दालचीनी पाउडर। दालचीनी पाउडर मेरे घर में हमेशा रहता है, मैं खड़ा दालचीनी लेती हूँ और इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस के फिर रख लेती हूँ, जो कि काफ़ी चीज़ों में काम आता है। और अगर आप कुकिंग करते हैं तो वेजिटेबल्स में डालने में, बहुत सी चीज़ों में यूज होता है, इसलिए मैं दालचीनी का पाउडर हमेशा ही बना करके रखती हूँ। तो हम एक चम्मच इसमें डालेंगे दालचीनी का पाउडर। और अब हम जो इसमें डाल रहे हैं अगली चीज़ वो है दोस्तों एक चम्मच हल्दी। और अब हमें इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना है। अभी मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि इसे आप पौधे में किस तरह से डालेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से पता चल सके। तो ये लीजिए, ये हमारी जो रेमेडी है चींटियों को भगाने की, ये तैयार हो गई है। और इसको डालने के बाद से आपको चींटियां नज़र भी नहीं आएंगी अपने पौधों में। तो चलिए देखते हैं कि इसे हमें पौधे में कैसे डालना है। हम स्पून की सहायता से दोस्तों सारे इस तरह से मिट्टियों में डाल देनी है हमें, चारों तरफ से अच्छी तरह से आप फैला दीजिए मिट्टियों में इस पाउडर को। और इसकी महक से जो है कि चींटियां बिल्कुल भी नहीं आएंगी, क्योंकि उन्हें इसकी महक बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। और ये काफ़ी तीखी होती है काली मिर्च, आपको पता ही है, तो ये चींटियाँ जो है इसकी वजह से नहीं आएंगी। तो मैं सारे पौधों में अपने डाल दे रही हूँ, क्योंकि गर्मी का वक्त है ये, और ये गर्मी के वक्त में चींटियाँ काफ़ी आ ही जाती हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि गुड़हल का पौधा है तो गुड़हल में तो आनी ही आनी है, क्योंकि चींटियों का सबसे पसंदीदा पौधा गुड़हल है। तो इसलिए मेरे ये सारे गुड़हल के पौधे हैं, सभी में मैं अपना एक एक चम्मच मैंने चारों तरफ से डाल दिया है। इसी तरह से आप भी डाल दीजिए। और चींटियाँ जैसे अगर बहुत ज़्यादा आपके उस पौधे में लग चुकी हैं तो आप इसको डालने के बाद थोड़ा थोड़ा मिट्टी को खोद दीजिए। और मिट्टी को जैसा आप खाद डालने के बाद खोदते हैं उसी तरह से कर दीजिए और मिला दीजिए।
तो भी ये बहुत बढ़िया रहेगा। और इसके बाद आप इसमें पानी डाल दीजिए। अभी दोपहर का वक्त है तो मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ। जैसे शाम का वक्त रहेगा या फिर सुबह के 6 बजे आप इसमें पानी डाल दीजिए तो ये बहुत नीचे तक चला जाएगा और नीचे भी अगर चींटियाँ लगी हैं तो वो मर जाएंगी। कितने भी तरह के आपके कीड़े जो लग जाते हैं, काफ़ी तरह के मिट्टी में हो जाते हैं कीड़े, तो वो सारे कीड़े भी मिट्टियों के मर जाएंगे। तो इस तरह से आप सुबह में 6 बजे करीब में थोड़ा सा इसको खोल के और इसको में पानी डाल दीजिए। बस ये हो गया चींटियों का आपका परमानेंट इलाज। आप इसको 15 दिन में एक बार इसी तरह से डालते रहिए, आपके पौधे में कभी भी चींटियाँ नहीं लगेंगी। आशा करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इसे लाइक कर लीजिए और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। फिर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।